मुख्य समाचार लेकर हम लोग प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है। आज की प्रार्थना सभा 13 मार्च 2023, अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है? शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, तीसरी बार लगातार चीन के राष्ट्रपति बने, कौन? जी जिनपिंग। दूसरा राष्ट्रीय समाचार है, भारत के नौसेना की शक्ति अब और बढ़ जाएगी क्योंकि 200 ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल किया गया है, तो इसकी ताकत बढ़ गई ना। तीसरा हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समाचार है, राज्य का पूरे राज्य में हम लोग का 69 ब्लड बैंक है, जिसमें 17 जिलों के पास 39 ब्लड बैंक में सिर्फ 4513 यूनिट ही खून बचा है, यानी बहुत कम खून बचा है। कहा कि प्रत्येक दिन हम लोगों को 18820 खून का जरूरत पड़ता है, लेकिन अभी स्टॉक बहुत कम है। खेल समाचार, अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, चौथा टेस्ट मैच चल रहा है अहमदाबाद में, जिसमें बड़ा रोमांचक स्थिति आ गया है और भारत को मजबूत स्थिति में लाने में गिल के साथ साथ विराट कोहली, किंग कोहली का बहुत बड़ा रोल है। 186 रन कल बनाकर भारत के पारी को संवारा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा, तो शिक्षा में एक अशिक्षित महिला, माने कहने का मतलब चौथी पास माँ, बोकारो का खबर है, अपने 5 बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाई, 3 को डॉक्टर और 2 को उसने इंजीनियर बनाया। पांचवी पास है, चौथी पास है, बोकारो की रहने वाली है, इसलिए अगर घर में कोई चाहे कि बच्चों को माधवी बनाए तो बना सकते हैं, इसका ये उदाहरण है। तो इस तरह से ये आज के मुख्य समाचार थे। सामान्य ज्ञान 1 से 5, पहला है पहेली, दिखने में वह काला है, जलने पर लाल, फेंकने पर सफेद, खोलो बच्चों उसका भेद, क्या है? हाथ उठाओ, कौन कौन जानता है, तुम बताओ, क्या तुम बताओ? कोयला, बिल्कुल सही, ताली। दूसरा क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? कोई भी बताइए, बताइए, कौन हाथ उठाए? हाँ बताइए, किडनी, बिल्कुल सही, ताली बजा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन 1 से 5, गरबा एक नृत्य का नाम है, लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है गरबा? हाथ उठाओ, 1 से 5, कोई नहीं जानते, अच्छा चलो कौन जानता है जवाब दे दो, कोई नहीं, गुजरात, बिल्कुल सही, इन लोग के लिए ताली बजा दो। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी का नाम बताओ, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, आप बताइए, आप बताइए, शुतुरमुर्ग, बिल्कुल सही, ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? जवाब नहीं दिया था पहले, बताइए, मंगल ग्रह, बिल्कुल सही। अब है 6 से 8 वाले, 6 to 8 है ना। चलिए, खाना पकाने में जो गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस गैस को क्या बोलते हैं? एलपीजी गैस है, उस गैस का उसका क्या नाम है? ब्यूटेन, बिल्कुल सही, ताली। गुलाबी गैंग की स्थापना किसके खिलाफ हिंसा रोकने के लिए की गई थी? गुलाबी गैंग, हाथ उठाइए, हाँ प्रधानमंत्री जी बोलिए, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होता है उसके लिए, बिल्कुल सही, ताली बजा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, LBW किस खेल से संबंधित काम है? LBW, हाँ हाथ उठाइए, क्रिकेट, ताली, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में, यानी किस महादेश में सबसे ज्यादा देश है? 6 to 8, बताइए तो नहीं बताए, अफ्रीका महादेश, बिल्कुल सही, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास में है, इतिहास किस
युद्ध के बाद मुगलों का शासन साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई? कौन सा युद्ध था वो बताइए? पानीपत का कौन सा युद्ध? पानीपत का तीन युद्ध हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय, कौन सा बताओ? प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। ताली उसके लिए। चलिए आप 9-10 वाले जवाब दीजिए। 9 रामायण का एक पात्र जो रामायण काल में भी दिखता है और महाभारत काल में, यानी त्रेता युग में भी द्वापर है, कौन है बताइए? हनुमान, बिल्कुल सही। ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा को क्या बोलते हैं? आप बताओ। हाँ पंकज, अमित है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाइनरी लैंग्वेज, तालियां, यानी कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप उठाइए। 9-10 इधर तो नहीं। हाँ ये होता है, मुंबई में है, बिल्कुल सही। तो दिख रही है ना, ताली ताली। गुप्तकालीन किस शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज बताइए भाई, बता दो। हाँ बताओ। समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही, तालियां। और आज के प्रार्थना सभा के जीके सेशन का लास्ट क्वेश्चन बताइए, एक किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके इसके लेखक कौन है? उधर ही हाथ उठा बताइए। अरुंधति रॉय, बिल्कुल सही, तालियां। इस तरह से आज की प्रार्थना सभा में आज के मुख्य समाचार और आज के जीके सेशन यहाँ समाप्त होता है। यूएचएस अरुणा विद्यालय परिवार की ओर से सबको धन्यवाद। सर एक दूसरे के लिए।